प्रिय दर्शकों नमस्कार, ज्योतिष पर आधारित हमारे कार्यक्रम ज्योतिष पथ में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं 5 अगस्त सन 2022 दिन शुक्रवार के राशिफल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले लेते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आज आप ऊर्जा से भरपूर होंगे और कुछ असाधारण करेंगे। आज के दिन भूलकर भी किसी को पैसे उधार ना दें और यदि देना जरूरी हो तो देने वाले से लिखित में ले ले कि वो पैसा वापस कब देगा। ध्यान रखें मेष राशि के जातकों, आज आपको पैसा उधार नहीं देना है। आइए अब बात करते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों, शारीरिक व्यायाम और वजन घटाने की कोशिशें आपके रूप रंग को निखारने में फायदेमंद साबित होगी। भाई बहनों की मदद से आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। तो वृषभ राशि के जातकों, शरीर को सुंदर बनाने के लिए व्यायाम इत्यादि का परिश्रम अवश्य करें। बात करते हैं राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन की। मिथुन राशि के जातकों, प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। आपके अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए जो आने वाले वक्त में आप फिर पा सकें। इसलिए मिथुन राशि के जातकों, अपने धन को आज आपको सहेज कर रखना है ताकि इन फ्यूचर वो आपके काम आ सके। बात करते हैं कर्क राशि की। खुद को ज़्यादा आशावादी बनाने के लिए प्रेरित करें, इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यवहार लचीला होगा। कर्क राशि के जातकों, साथ ही डर, ईर्ष्या और नफरत जैसे नकारात्मक मनोभावों में कमी लाने का प्रयास करें। बात करते हैं राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह की। सिंह राशि के जातकों, आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। संदिग्ध आर्थिक लेन देन में फंसने से सावधान रहें। जो लोग आपके करीब हैं वे आपका गलत फायदा भी उठा सकते हैं, इसलिए आज आपको सावधान रहने की जरूरत है। बात करते हैं राशि चक्र की छठवीं राशि कन्या की। कन्या राशि के जातकों, दौड़ भाग भरा दिन आपको तुनक मिजाज बना सकता है। जो लोग अपने करीबियों या रिश्तेदारों के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं उन्हें आज बहुत सोच समझकर कदम रखने की ज़रूरत है, सावधान हो जाएं। कन्या राशि के जातकों, आज सोच समझ के निर्णय लें। बात करते हैं राशि चक्र की सातवीं राशि शनिदेव की राशि तुला की। तुला राशि के जातकों, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए आपका दिमाग खुला रहेगा। उधार मांगने वाले लोगों को नज़रअंदाज करें। घर के माहौल की वजह से आप उदास हो सकते हैं, इसलिए घर का माहौल हल्का करने की कोशिश करें। बात करते हैं राशि चक्र की आठवीं राशि मंगलदेव की राशि वृश्चिक की। वृश्चिक राशि के जातकों, जिस तरह मिर्च खाने को लजीज बनाती है उसी तरह थोड़ा सा दुख भी जीवन में ज़रूरी है और तभी सुख की असली कीमत पता लगती है। इसलिए अगर जीवन में दुख आता है तो उस दुख से परेशान मत होइए, उसका आनंद लीजिए। दुख के बाद सुख का आगमन होना निश्चित है। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि के जातकों, आज आप अपने आहार पर नियंत्रण रखें और चुस्त दुरुस्त रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। आज सिर्फ बैठने के बजाय कुछ ऐसा कीजिए जो आपकी कमाई में इजाफा कर सके। धनुराशि के जातकों, खाली ना बैठें। बात करते हैं राशि चक्र की अगली राशि मकर की। मकर राशि के जातकों, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क जीवन का द्वार है क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ इसी के माध्यम से आता है, इसलिए अच्छा सोचें। बात करते हैं राशि चक्र की 11वीं राशि शनिदेव की राशि कुंभ की। तो कुंभ राशि के जातकों, आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। आज आपके पैसे को संचय के लिए आपको आज ध्यान देना है। घर के लोगों से आज आपको बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर में विचार विमर्श करके ही धन के लिए व्यवस्था करें, धन को संचित करें। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों, आप आज ऊर्जा से भरपूर होंगे, कुछ असाधारण करेंगे। आज के दिन भूल कर भी किसी को पैसे उधार ना दें और यदि देना जरूरी हो तो देने वालों से लिखित में ले लें। सेम स्थिति इनकी भी है कि वो लिखित में ले लें कि वो पैसा वापस कब करेगा। तो दर्शकों, ये था आज के 12 राशियों का राशिफल। कल फिर मिलेंगे ज्योतिष पथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।